हेलो। हाँ रजत बोल, कहाँ है तू? मैं किसी काम से बाहर आया था। क्यों? मुझे लीला नर्सिंग होम के पेपर्स चाहिए अभी। अभी अभी क्यों? मॉम को देने के लिए। यार जब तक उनको लीला नर्सिंग होम लौटा नहीं देता ना, मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। एंड एज इट इज उन्होंने मुझे माफ नहीं किया अभी तक। उन्हें अभी भी शक है कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ। तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? सब ठीक है ना? नहीं ना यार, जो चेक्स मॉम को भिजवाए थे वो उन्होंने फाड़ के वापस दे दिए। उन्हें लग रहा है कि मैं अभी भी उनके साथ कोई गेम्स खेल रहा हूँ। शरद मैं चाहता हूँ यार आज के आज मैं लीला नर्सिंग होम के पेपर्स उन्हें वापस लौटा दूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है मैं आके तुझसे मिलता हूँ। ओके। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों हो? सोच रहा हूँ, इनफैक्ट सोच चुका हूँ मैं। मोना मैंने डिसाइड किया मैं अपनी फैमिली को सब सच बता दूँ। ये गिल्ट, ये बोझ अब और नहीं सहा जा रहा मुझसे। किस बारे में? अंसल के बारे में। और किस बारे में? अपनी फैमिली को लीला नर्सिंग होम वापस लौटा दूंगा और उन्हें इन्वेस्टर के बारे में सच बता दूंगा। रजत तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मोना थक गया हूँ मैं। I'm tired of all this। ये झूठ बोलना, ये सच को छुपाना, अब बस मोना अब और नहीं हो रहा मुझसे। मैं गिल्ट फ्री होना चाहता हूँ, मैं चैन से सोना चाहता हूँ। अब और धोखे में नहीं रख सकता अपनी फैमिली को। रजत, I completely understand। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत हो, पर हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि भावनाओं में बहके और जल्दबाजी में आके ऐसा कोई डिसीजन मत ले लेना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। हर बार होता यही है कि तुम करने कुछ अच्छा चाहते हो लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। और मुझे डर है कि इस बार भी तुम्हारी फैमिली तुम्हें गलत ना समझे, क्योंकि अंसर का जैसे ही तुम नाम लोगे वो लोग तुम्हें गलत समझेंगे और हमेशा की तरह तुम्हारी सफाई में कुछ भी नहीं बोलने देंगे। I don't care, Mona। जो होगा देखा जाएगा, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं ये झूठ का सहारा और नहीं ले सकता। Expected every day. एक बात पूछूं तुमसे, कितना हेट करती हो मुझे? बहुत ज्यादा। I'm not surprised. जानता हूं कि लोग मेरे पीछे से मेरे बारे में क्या कहते हैं, कि मैं रूड हूं, arrogant हूं, brash हूं, flamboyant हूं। सच कहूं तो मैं ये सब कुछ हूं भी। एक और चीज भी है। क्या? बहुत अच्छे बेटे भी हैं। मेरे पापा ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे एक अच्छा बेटा बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जैसा दुनिया मुझे देखती है वो मुझे मेरी मॉम ने बनाया। क्योंकि जितना प्यार मैं अपने पापा से करता हूं उतनी नफरत अपनी माँ से करता हूं। तुम सोच रही होगी कि कल तक तो मैं तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, फिर आज मैं ये सब बातें तुमसे क्यों कर रहा हूं? उसकी एक वजह है। मेरी मां के चले जाने के बाद मैंने हर औरत के अंदर एक खुदगर्ज इंसान को देखा, लेकिन कल मेरा ये भ्रम टूट गया। इसलिए मेरे किसी भी बिहेवियर की वजह से या फिर किसी भी बात की वजह से तुम्हें दुख पहुंचा या फिर तुम हर्ट हुई,
I'm sorry. And I mean it. Please don't be. एक बात पूछूं आपसे, आप अपनी मॉम को इतना हेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस समय हमें छोड़ के चली गई थी जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं 3 साल का था और मेरे पापा एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन, एक वायलिन प्लेयर। माँ के चले जाने के बाद पापा ने माँ और बाप दोनों बनने के चक्कर में मुझे इतना प्यार दिया कि आज तक उन्होंने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। शायद यही एक वजह है कि मैं बुरी संगत और एक गलत राह पर निकल पड़ा। और फिर एक दिन वही हुआ जो कल उस बच्चे सनी के साथ हुआ। पापा को अचानक किडनी का कॉलिक पेन हुआ, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, लेकिन वहां किसी ने उनको एडमिट ही नहीं किया। तब एक भले डॉक्टर ने हमारी मदद की, उसने अपने ही एक दोस्त सर्जन से कहकर हमें अपनी ही गाड़ी में उनके हॉस्पिटल भिजवाया और उनका वहां इमरजेंसी ऑपरेशन करवाया। और उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए। उस दिन पापा को एक नई जिंदगी मिली और मुझे भी। उस दिन मैंने कुछ बनने का फैसला लिया। डॉक्टर, यस डॉक्टर। और उस दिन के बाद मैंने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर कभी पीछे मुड़ा भी तो बस उन दो भले इंसानों को याद करने के लिए, वो डॉक्टर और वो सर्जन। शायद उन्हें मैं याद नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाया। जानना चाहते हो वो डॉक्टर और वो सर्जन कौन थे? वो भले इंसान थे तुम्हारे नानू, डॉक्टर ए.के. सिंह, और वो सर्जन थे डॉक्टर सिद्दीकी। रियली? यस। इसलिए डॉक्टर सिंह के पैरालिटिक अटैक के बाद जब मिस मोना का मेरे पास फोन आया लीला हॉस्पिटल को ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। केबिन में मैंने डॉक्टर सिंह का चूज किया। और जहां तक उनकी तस्वीर को बेइज्जत करने का सवाल था, वो मैंने जानबूझ के किया ताकि किसी को मुझ पर यहां शक ना हो। और जहां तक रजत और मोना का सवाल है, उनसे मैं चढ़कर इसलिए बात करता हूं क्योंकि उनकी मिसहैंडलिंग और उनके एम्बिशन की वजह से लीला हॉस्पिटल और डॉक्टर ए.के. सिंह का यह हाल है कि उन्हें सीहोर जाकर सुकून की तलाश करनी पड़े। और लीला हॉस्पिटल अपना 49% स्टेक एक अनसन जैसे घटिया इंसान को बेचने पर मजबूर हो गया। अगर ये सब सच है तो क्या आप मेरे साथ इतना बुरा सलूक सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपकी मॉम की तरह आई एम ऑल्सो अ वुमन? सिर्फ यही वजह नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है रोशनी, लेकिन सच है। और सच यह है कि मैं तुम में खुद को देखता हूं।